अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे और मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक जैसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती है ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे चूंकि मैं जीता हूं और तुम भी जीते रहोगे। उस रोज तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूं और तुम मुझ में और मैं तुम में हूं। जिसके पास मेरा हुक्म है और वो उन पर अमल करता है वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। यहूदा ने जो स्क्रियोती ना था उससे कहा, ऐ खुदावंद, क्या हुआ कि तुम अपने आप को हम पर तो जाहिर किया चाहता है मगर दुनिया पर नहीं? अगर कोई मुझसे मोहब्बत रखे तो वो मेरे कलाम पर अमल करेगा और मेरा बाप उससे मोहब्बत रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। जो मुझसे मोहब्बत नहीं रखता वो मेरे कलाम पर अमल नहीं करता, और जो कलाम तुम सुनते हो वो मेरा नहीं बल्कि बाप का है जिसने मुझे भेजा। मैंने ये बातें तुम्हें साथ रहकर तुमसे कही, लेकिन मददगार यानी रूहुल कुदुस जैसे बाप मेरे नाम से भेजेंगे वही तुम्हें सब बातें सिखाएंगे, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। मैं तुम्हें इत्मीनान दिया जाता हूं, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं। जिस तरह दुनिया देती है उस तरह मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा था कि मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आता हूं। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो इस बात से कि मैं बाप के पास जाता हूं खुश होते, क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है। और अब मैंने तुमसे उसके होने से पहले कह दिया है ताकि जब हो जाए तो तुम यकीन करो। इसके बाद मैं तुमसे बहुत सी बातें ना करूंगा क्योंकि दुनिया का सरदार आता है और मुझ में उसका कुछ नहीं, लेकिन यह इसलिए होता है कि दुनिया जाने कि मैं बाप से मोहब्बत रखता हूं और जिस तरह बाप ने मुझे हुक्म दिया है मैं वैसा ही करता हूं। उठो, यहां से चले।